बेरोजगारों की हालत ये है कि मैसेंजर पे रात रात भर चैट करके आई लव यू भेजता है। अभी वैलेंटाइन सप्ताह चल रहा है, आई लव यू टू हो जाएगा, लेकिन मैरी कैसे होगा? मैरी होने के लिए नौकरी होना जरूरी है, और नौकरी के अभाव में लोगों का ब्याह नहीं होता है। कैसी ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा? माँ बाप पे कितना दिन छुटानी होगा बता दीजिए, माँ बाप पे छुटानी कितना दिन चलेगा? ये स्थिति है, इसीलिए मैं आप तमाम लोगों के लिए कहने के लिए आया हूँ, ये लड़ाई जब हम कहते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, संवैधानिक हक को बचाने की लड़ाई है, तो संवैधानिक हक का मतलब क्या होता है? संवैधानिक हक का मतलब ये है कि संविधान हमको बराबरी का हक देता है। दरोगा जी का वोट भी एक, सिपाही जी का वोट भी एक, ऐसा होता है? दरोगा जी वोट दो होगा और सिपाही का वोट एक होगा, नहीं होता है ना? एसपी का वोट भी एक, दरोगा का वोट भी एक, डीजीपी का वोट भी एक, एसपी का वोट भी एक, एमएलए साहब का वोट भी एक, वोटर साहब का वोट भी एक, पांच महल में रहने के वाले का भी वोट एक, झोपड़ी में भी रहने वाले का वोट एक, फॉर्चुनर पर चलने वाले का भी वोट एक, और टूटल की एवन साइकिल पर चलने वाले का भी वोट एक। ये जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार को बचाने की बात है। इसीलिए मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूँ, ये जो एनआरसी एनपीआर और सीए की लड़ाई है, इस लड़ाई को जो नगर निगम की हड़ताल है, उस लड़ाई के साथ भी हमको जोड़ करके देखना पड़ेगा। नगर निगम की हड़ताल कर रहे उन मजदूरों से कहना चाहता हूँ कि आप संविधान बचाने की इस लड़ाई में हमारे साथ आइए, और हम आपकी नौकरी बचाने की लड़ाई में आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। इस तरीके से मिलकर के हमको देश को बचाना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी आज हमारे कंधे पे है, ये जिम्मेवारी आज के नौजवान पीढ़ी को अपने कंधे पे लेना पड़ेगा कि देश को गुमराह करने की जो साजिश है एनपीआर एनआरसी के नाम पर, सीए के नाम पर, एक बार फिर से एक राजनीतिक मुद्दे के तहत देश में जो हिंदू मुसलमान करने की साजिश है, उस साजिश को हमको नाकाम करना पड़ेगा। और इसको साजिश में क्यों कह रहा हूँ? इसको साजिश में इसलिए कह रहा हूँ कि मोटा भाई अपनी रैली में जाते हैं और रैली में जाकर के कहते हैं कि जो लोग सीएए का विरोध कर रहा है, वो लोग इस देश में हिंदुओं और दूसरे धर्म के लोगों को नागरिकता देने के खिलाफ है। तो मैं भी यहाँ इस स्टेडियम में खड़ा होकर के आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस देश में किसी को भी शरण देने और नागरिकता देने के खिलाफ हैं? ये झूठा झूठा है बोलता है जी, क्यों झूठ बोलता है? ये झूठ इसलिए बोलता है ताकि इस देश की जनता को आपस में लड़ाया जा सके। मेरा प्रश्न ये है कि सीएए लाने की जरूरत क्या है, जब देश का कानून, देश का संविधान पहले से ये कहता है कि दुनिया के किसी भी कोने से आने वाला कोई भी व्यक्ति अगर भारत में शरण मांगेगा तो उसको शरण दी जाएगी, क्योंकि भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को मानने वाली संस्कृति है। बताइए, आप खा पी करके अपने घर में सोए हुए हैं, रात को कोई दरवाजा खटखटाएगा और कहेगा बड़ा जोर का भूख लगा हुआ है, दुख रोटी दे दीजिए, तो आप मना कीजिएगा? आप किसी धर्म के तीर्थ स्थान के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के बाहर चले जाइए, आपको भिखमंगा मिलता है कि नहीं मिलता है? भारत में तो दान वीर कर्म के होने की परंपरा है, और आंध्र प्रदेश जो है वो दान वीर कर्म का प्रदेश माना जाता है। तो ऐसे देश में सीएए जैसा कानून लाने का जरूरत क्या था? अगर जरूरत थी, अगर ये कहते हैं कि नहीं बहुत जरूरी था, तब मेरा एक और प्रश्न है कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, जिस समय नारा लगाया जाता था जिनकी जवानी थोड़ी ढल गई है, गाड़ी थोड़ा रंगवा दिए हैं, कैसा है, तो वो जवान रहे होंगे, एक नारा लगाया जाता था, अब की बारी अटल बिहारी। उस वक्त भी नागरिकता संशोधन कानून 2003 में लाया गया था। तो जो चर्चा 2019 में की जा रही है कि धार्मिक प्रताड़ना के शिकार लोगों को नागरिकता दी जाएगी, वही बात 2003 में क्यों नहीं लिखी गई? वो बात 2003 में इसलिए नहीं लिखी गई क्योंकि उस वक्त राम मंदिर और 370 का मुद्दा जिंदा था, इसके नाम पे हिंदू मुसलमान किया जा रहा था।